नमस्कार शुभ सकाळ सहित सकाळर प्रथम खबर को स्वागत करछु चिन्मयी प्रथमे हेडलाइंस आज जेवार देशरे सबुठारो बड़ विमान बंदर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिवे प्रधानमंत्री एशियार बृहत विमान बंदर मध्यरे पाइबो स्थान रोजगार क्षमता बढ़ाइबा सहित देशर विकास रे हेबो सहायक भारतीय नौसेना को मिलबो आउ एक विध्वंसक बुड़ा जहाज आज नौसेना रे शामिल हेबो आईएनएस बेला दुई वर्ष धरी चलीथिला यार परीक्षण सीमा विवादर समाधान पाई पदक्षेप मुख्य शासन सचिवों अध्यक्षतार गठन है उच्चस्तरीय कमिटी कमिटी अच्छा आठ जन वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जूनियर हॉकी विश्वकप रे पराजय रु भारतर अभियान आरंभ संजयक हैट्रिक सत्वे हारिला टीम इंडिया आज द्वितीय मैच रे कनाडा सह हेप टक्कर ब्रह्मपुर रे बाहाघर पाई हाई ड्रामा स्वामी घर आगे चारि दिन हला स्त्रीर अहरात्र धारणा आज मार्गशीर मास प्रथम गुरुवार रे ससुर घर आगे माण बसाइबे नववधू शेषर अबकारी कनेस्टबल महानता गरीब विद्यार्थी साजिंट देवदूत पिला मगणा शिक्षा सह निज टे खाता कलम छखंड गांव शताधिक छात्र छात्री को मिली शिक्षार सुजोग एथर संपूर्ण खबर आज उत्तर प्रदेश जेवार देशर सबुठ बड़ विमान बंदर भित्तिप्रस्तर स्थापन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह विमान बंदर एशिया महादेशर बृहत विमान बंदर मध्य स्थान पाइबी विभाग मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जेवार उत्तर प्रदेश दशतम विमान बंदर हो राज्य समेत पूरा देशर विकास में सहायक हो पार रोजगार क्षमता बढ़ावा सह देशर एवीएसएन सेक्टर अभिवृद्धि घटाइबारे एहा सहायक हो पारिबो बोली कहिछंती केन्द्रमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तबे एहा प्रधानमंत्री मोदी संकल्प दूरदृष्टि जोगु संभव हो पारिछि बोली से कहिछंती यह एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जहां करीब करीब 34,000 करोड़ रुपए का निवेश जेवर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में किया जा रहा है और यह हवाई अड्डा मैं आपके द्वारा दर्शकों को भी सूचित करूं ये भारत का सबसे बड़ा नहीं लेकिन एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। चौथे फेज में यह हवाई अड्डा 7 से 7.5 करोड़ यात्रियों के आवागमन के लिए एक सुविधा का सूत्रधार बनेगा और इसके साथ केवल आप हवाई अड्डे को हवाई अड्डे के रूप में मत देखिए, हवाई अड्डे के साथ आर्थिक प्रगति के पहिए चलते हैं, हवाई अड्डे के साथ रोजगार के अवसर सृजित होते हैं और इस हवाई अड्डे के साथ अकेले पिछले 3 सालों में जो एक आशंका थी, एक विश्वास था कि अधोसंरचना का एक बहुत बड़ा कदम इस क्षेत्र में लिया जाएगा, करीब 18,000 करोड़ रुपए के निवेश इस क्षेत्र में आ चुके हैं और अगले 5-6 सालों में अनुमान है कि करीब 1,00,000 करोड़ और का निवेश इस क्षेत्र में आएगा, 1,00,000 रोजगार के अवसर उत्पन्न हो पाएंगे और करीब करीब 60,000 करोड़ की आर्थिक एक इंजन की शुरुआत होगी निवेश के द्वारा और उत्पादन के द्वारा। तो ये हवाई अड्डा भारत का नवरत्न आने वाले समय में बनेगा। इसी के साथ ये बात भी मैं रेखांकित करना चाहता हूं कि जिस उत्तर प्रदेश में एक जमाने में केवल 70 सालों के लिए केवल 2 हवाई अड्डे होते थे, आज उसी उत्तर प्रदेश में पिछले 7 सालों में ये 9वां हवाई अड्डा की शुरुआत की जा रही है। 9 हवाई अड्डे कुशीनगर के साथ बन चुके थे, ये 10वां हवाई अड्डा का भूमि पूजन किया जा रहा है और अति शीघ्र वही उत्तर प्रदेश में हम लोग 17 हवाई अड्डे अकेले देखेंगे। जिस उत्तर प्रदेश में केवल 25 गणतंत्र स्थानों तक विमान की सुविधा प्राप्त होती थी, आज के दिवस पर 80 स्थानों तक
ये वायु सेवा की सुविधा प्राप्त हो रही है जनता को, मतलब 3.5 गुना वृद्धि हो चुकी। और ये सब अगर संभव है तो प्रधानमंत्री जी का संकल्प, प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य, और वो लक्ष्य और संकल्प है कि उड़े देश का आम नागरिक और यातायात की प्रजातंत्रीकरण और यातायात की लोकतांत्रिकरण, इस संकल्प को साकार करके प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को समर्पित किया है। 7 राज्यर 20,000 कोटी टंकार 8 परियोजनार समीक्षा करिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 39वीं प्रगति बैठक में अध्यक्षता करी एही योजना गुड़िकर समीक्षा करिछंती प्रधानमंत्री। 8 योजना मध्यरु 3 रेल मंत्रालय, 2 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, 2 बिजुली संबंधी थिबा बेले गोटे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। प्राय 20,000 कोटी टंकार एही 8 प्रकल्प 7 राज्य बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं पश्चिमबंग सह जड़ित। एही प्रकल्प गुड़िकु समय रे शेष करिबाकु निर्देश दैछंती प्रधानमंत्री मोदी। सेहिपरि पोषण अभियान रो मध्य समीक्षा करिछंती प्रधानमंत्री। पीएमओ रो तथ्य अनुजाई वर्तमान सुधा 38 प्रगति बैठक रे समुदाय 14.64 लाख कोटी टंकार 303 प्रकल्पर समीक्षा कराजैछि। भारतीय नौसेना को मिलिबो बल। आईएनएस विशाखापट्टनम परे भारतीय नौसेना को मिलिबाकु जाउछि आउ एक विध्वंसक। आज भारतीय नौसेना रे सामिल हेबो 4th स्कॉर्पियन श्रेणीर बुड़ा जहाज आईएनएस बेला। नौसेना पक्षरु एहाकु आत्मनिर्भर भारत उदाहरण बोली दर्शा जाइछि। एहाकु मजगांव डक शिप बिल्डर लिमिटेड द्वारा निर्माण करा जाइछि। देशरे 4th स्कॉर्पियन कैटेगोरी रो बुड़ा जहाज आईएनएस बेला 2 वर्षरु अधिक समय धरि ट्रायल करा जाइथिला। 2019 मे मस प्रथम थर पर यार परीक्षण होता। आईएनएस बेला को आडवांस स्ट्रेल्थ एवं युद्ध क्षमता पर जनाई युद्ध जहाज को आंटी सरफेस वार, आंटी सबमरीन वार, गुइंदा तथ्य एकाठी करने सह नजर रखा मिशन रे नियोजित करा जाई पारिबो। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट ओनली फॉर द क्रू बट आल्सो फॉर द टीम्स व्हिच हैव बीन इन्वॉल्व टुगेदर, the people who have been involved together, whether it is the design branch which has been involved or whether the construction from MDL, as well as the people who have been coordinating the construction and the trials on board. This boat is the first one to be having indigenized set of batteries, so it goes with ahead with our one notch up in our Atmanirbhar Bharat concept, and it also has advanced communication suite of indigenous make. So it has taken this concept much further. So the heavyweight torpedoes are the ones which are the primary mode of weaponry that is on board, as well as the exocet missiles. So both these are the primary mode of weapons that we are carrying on board. आंध्र ओडिशा सीमा विवाद प्रसंग समस्यार समाधान लागि गठन हेला उच्चस्तरीय कमिटी। मुख्य शासन सचिवक अध्यक्षतारे कमिटी गठन करा जाइछि। कमिटी रे स्थान पाइछंती 8 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी। कमिटी रे स्थान पाइछंती उन्नयन कमिश्नर, गृह, राजस्व, जलसंपद विभाग सचिव, सिपरि गणशिक्षा, उच्चशिक्षा एवं शक्ति विभाग सचिव मध्य कमिटी रे स्थान पाइछंती। पराजयरु निजर जूनियर हॉकी विश्वकप अभियान आरंभ करिछि भारत। लड़ुआ प्रदर्शन परे भी फ्रांस ठारु 4-5 रे रहिछि हारिछि डिफेंडिंग चंपियन भारत। गतकाली हॉकी विश्वकप रे फ्रेंच टीम रो दमदार प्रदर्शन देखिबाक मिलिथिला। घातक सब्यस्त होइथिले फ्रांस रो क्लेमेंट डिमोथी। डिमोथीको 3 गोल बॉल रे फ्रांस मैच रो शेष जाय निजर दबदबा बजाय रखिथिले। शेषरे घरोई माटी रे विश्वकप रो प्रथम मैच रे भारत को पराजयर सामना करबाक पडिछि। आज द्वितीय मैच रे कनाडा को भेटिबो भारत। संध्या 7:30 रे खेलाजबो मैच। आज विजयी हेले क्वार्टर को जिबाकु बाटो फिटिबो। हमारे पास चांस है, मैं इसको हम लोग जितना यहाँ से मैच लॉस किए हैं तो कोशिश ये रहेगा कि हम लोग इससे सीखें। और हम लोगों ने काफ़ी अच्छा लास्ट में खेला, लेकिन वो चीज़ हम लोग स्टार्टिंग से लेके आना चाहेंगे अगले नेक्स्ट गेम में। नहीं, स्टार्टिंग का यही था, लोग अटैकिंग ही रखेंगे और फुल प्रेस ही जाएंगे, लेकिन होपफुली वो हम लोग का कन्वर्ट स्टार्टिंग में नहीं हुआ, लास्ट में वो हम लोग को चांसेस मिला,
तो नेक्स्ट टाइम हम लोग यही ध्यान रखेंगे कि जितना हम लोग अंदर से अटैक करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा। हम लोग यही ट्राई करेंगे जो चीज़ हम लोग लास्ट में लेके आए थे एनर्जी, वो चीज़ स्टार्टिंग से करें तो हमारे लिए बेटर रहेगा। हमें और यही ऐसा कि हमें जिनकी गोल स्कोरिंग करेगा टीम यूनिट है कि खेलवा, तो हमारे यही ऐसा कि हमें दुईटा मैच को गोल स्कोरिंग आगे नहीं तो हमें चेष्टा करवा कि दुईटा मैच रे हमें गोल स्कोरिंग आगे। थोड़े है जाए कि कम्बिनेशन थोड़ा प्रॉब्लम है जाए जितने चेंजिंग सब हुए से डिफरेंट है जाए। बाबद अधिक सूचना पाई आम सहित फोन लाइन जोड़ी होती आम प्रतिनिधि सुशांत साहू जोड़ी होती। सुशांत आज भारत को कानाडा भेट गत मैच रु किसी दल शिखी कि देखु भारत हूँ जूनियर हॉकी विश्वकप डिफेंडिंग चैंपियन दल मात्र गत काली जो भाव प्रदर्शन देखा भारत कह गए भल प्रदर्शन कर मात्र शेष क्वार्टर जो देखा मात्र जो चार मिनट बाकी दुईटी गोल स्कोर कर भारत गोटे बैक कर मात्र जदि एंटायर मैच रे देखा भारत प्रदर्शन बहुत भल ना विशेषकर जो डिफेंडिंग करियारे भारतीय खेलाड़ी मैंने बहुत फेल मारे जहा फल जोटा कि फ्रांस खेलाड़ी मैंने तार फायदा उठे कि टीम मैंने जोटा सब गोल गोल पर गोल करने को लगी देखी भारतीय दल जो चारोटी जाक गोल स्कोर कर सबु गुड़ाक पेनाल्टी कर्नर रु कर मात्र फिल्ड गोल स्कोर कर भारतीय खेलाड़ी मैंने विफल होती। अन्य पक्षे आपण देखु टिमोथी क्लेमेंट जी की हूं फ्रांस अधिनायक सी हैट्रिक गोल स्कोर काली समस्त गोल से फिल्ड गोल कर देखु भारत जे उप अधिनायक संजय सी तीनोटी हैट्रिक गोल स्कोर कर मात्र से तीनोटी जाक पेनाल्टी कर्नर रु गोल स्कोर करदी देखा उभय दल जदि गोटे कि मैंने डिफरेंस रहा फ्रांस खेलाड़ी मैंने बहुत भल खेले और से फिल्ड गोल स्कोर कले मात्र भारतीय खेलाड़ी मैंने फिल्ड गोल स्कोर करिवारे विफल हेले अनेक सुजोग भारतीय खेलाड़ी मानक मिलता मात्र से मैंने गोल कन्वर्ट करने को विफल होते जोटा कि भारत को भारी पड़ा शेष क्वार्टर में भारत बैक कर मात्र सेत देखा गला तृतीय क्वार्टर शेष सुधा फ्रांस 5-2 आगुआ रही है मात्र शेष आड़ को भारत कम बैक कर गोल स्कोर कर 5-4 कि जोटा पहुंची मात्र जदि कह जदि भारतीय दल जदि फिल्ड गोल स्कोर करे सफल होता तेज रेजल्ट अलग होता निहत भाव रेजल्ट भारत पक्ष में जाता तेज आज मैच टी हूँ बहुत गुरुत्वपूर्ण कहीं आप जानते आज मैच जी पराजय बरण कर भारत और कानाडा मध्य जो मैच टी अच्छी जो दल पराजय बरण कर दल जो क्वार्टर फाइनाल रेस रु बात पड़ जो कानाडा तार प्रथम मैच रे पोलैंड ठारु पराजय बरण कर भारत प्रथम मैच रे फ्रांस ठारु पराजय बरण कर तेज उभय टीम को आज मैच टा हूँ बहुत गुरुत्वपूर्ण मैच और उभय दल आज आशा करेंगे मैंने विजय हासिल करने जो क्वार्टर फाइनाल रेस रे मैंने जो स्थान बचाई रखा निश्चित भाव में। सुशांत बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर तमाम सूचना पाई। बाहाघर शोभायात्रा हला शेष यात्रा गीतर ताले ताले नृत्य बेले चढ़ीगला ट्रक चलीगला चार जीवन एभली मर्मन्तुद दुर्घटना घटी मालकानगिरी जिला पांड्रीपाणी अंचल एमिति भी आसे मृत्यु बाहाघर शोभायात्रा होइगला शेष यात्रा गीतर ताले ताले नृत्य बेले चढ़ीगला ट्रक चलीगला चार जन जीवन विचलित कला भली ए दृश्य हेउछि मालकानगिरी जिला पांड्रीपाणी स्थानीय सरपंच को पुओ बाहाघर रे सामिल होइथिले स्थानीय लोके नाच गीत भितरे जाउथला शोभायात्रा समस्ते थिले मस्गुल हठात द्रुत गतिर आसुथबा एक ट्रक चढ़ीगला एमानको उपरे ए मर्मन्तुद दुर्घटना रे चार जनकर मृत्यु होइछि। आमे आसलु डांस कर प्रोसेसन आसलु तो गाड़ी माने प्राय तो जाऊला माने बस जाऊला ट्रक जाऊला सब किसी जाऊला कितु किसी मुमेंट भितर कौन है कि गोटे ट्रक पचर आसला आउ से टाइम रे कौन है लोक बहुत थिले किंतु सब गाड़ी साइड होकर जाऊले गाड़ी टोटाली माने स्लो नथिला गाड़ी बहुत स्पीड थिला गाड़ी स्पीड आसिकी माने गाड़ी जिते लोक थिले पूरा तो लगे दिला मानने मुझे मोर भी लगी मोर ओठ टिके लगी
आउ साइड भी लगी तो मानने मरी मरी बंची जाइए आउ बहुत लोक मैंने भी अच्छा बंची आ मुझे देखी चार जन तो पूरा स्पॉट डेथ मैंने मरीगले आउ छः जन कि दस जन पाखापाखि हम एम सीरीयस अच्छा मृतकों भितर अच्छा पुअर बापा स्थानीय सरपंच शिवराम खेमुंडी सुनाबेड़ार संतोष कुमार साहू माथेली रो सुभाष खरा आउ जन परिचय अस्पष्ट आहत चारि जन को पाख हॉस्पिटल भर्ती करा जाई छी। मालकानगिरी विक्रम स्वाईं रिपोर्ट अर्गस न्यूज। टिटलागड़ सहर रे दिनकु दिन बढ़ी चली ट्राफिक समस्या हेले समस्या रा बाहरुनि समाधान दस वर्षरु अधिक समय बीतीथिले भी फाइल भितर अटकी बाइपास रोड काम जहाँ को नहीं सहरवासी समेत बुद्धिजीवी महल असंतोष देखा दे बढ़ुच्छ ट्राफिक समस्या केबे हबो बाइपास रोड प्रतिवर्ष खाली योजना होले काम आरंभ हो पार नहीं आंतरिकता अभाव फाइल रे अटकी प्रतिश्रुति पश्चिम ओडिशार प्रमुख व्यवसाय स्थल टिटलागड़ पूर्व उपकूल रेलपथर मुख्य रेलबाई जंक्शन रही प्रतिदिन हजार हजार लोकों यातायात पथ हेले दस वर्ष ऊर्ध समय बीतीगला खाली योजना किंतु बाइपास रोड टे या ना फलरे सहर रे ट्राफिक समस्या एवं बड़ समस्या हो मुंड टेकी बढ़ुवा जनसंख्या और ट्राफिक भिड़ जो यातायात समस्या उपजुच्छे एपरिक दुर्घटना संख्या बढ़ी देखवा लगी गले बाइपास लगी जेना बाइपास नहीं न बोला गाड़ी मैंने अटकई दौन यटार लगी गोटे सल्यूसन बाहर करना मैंने जेहेतु बाइपासटे आम पास ही से कमटा के जल्दी काम करेंगे सेटा ही आम टीटला लगे भल रहा गोटे गोटे फोर व्हीलर मन के अटकई दमा बारचकिया गाड़ी मन के सोलह चकिया गाड़ी मन के टाउन के एंट्री नहीं करबे रात एंट्री करबे रात केन लेबर बाहर करबे से मनकर माल उतरेबे ना इमाने सोल्यूशन नुआ अफिसर गोटे आसले गोटे ढाँचा करूँ मोर कर आगे क्या सोल्यूशन पूरा लाइव तक रहा से जिनटा कर टीटलावट बोले नहीं बलांगी डिस्ट्रिक्ट के पूरा नहीं कहे जेने भी गाड़ी रुकावट हो दिन तार सोल्यूशन बाहर कर बाइपास हवा लगे बाइपास कितने जल्दी पास कर भी नो एंट्री पुलिस वाले लगाए हैं बोल रहे हैं नो एंट्री है जाना था मेरे को टिटलागढ़ से आगे खाली करने बेलगाम से कितना लगाए हैं सुबह 6 बजे से बोल रहे हैं रात के 9 बजे तक अच्छा रात 9 बजे तक परेशानी यही हो रहा है कि 12 घंटे का नो एंट्री बता रहे हैं गत वर्ष से समय उपजिलापाल ट्राफिक समस्या को दूर करने अजब गजब अर्डर करते समस्या समाधान हो पारा ना ए वर्ष मध्य किछि दिन पूर्वरु उपजिलापाल मनोज महाजन अर्डर माध्यम रे भारी जानर प्रवेश को प्राय 12 घंटा पई बारण करछंती अर्डर को विरोध करछि बणिक संघ जदि दिन समय रे 12 घंटा धरी भारी जान सहर रे प्रवेश करबो नाही ताले सेमाने केमिति व्यवसाय करबे बोली जुक्ति बाडीछंती जेतु टिटलागड़ रो जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी जाउछे गाड़ी संख्या भी सेही अनुपात रे बढ़ी बढ़ी जाउछे आ रास्ता धीरे धीरे अनावश्यकिया होउछे तेणु बाइपास तो नितान जरूरी आते शीघ्र हो पार्टी पदक्षेप ना कथा बाकी रहा आम समस्त गोटे सोशियाल रेस्पनसबिलिटी भी रहा कथा अनेक समय देखा रास्ता धीरे धीरे संकीर्ण होगा जाऊँच जद्वारा अनेसेसरी अतिक्रमण जो रास्ता पाख थोड़ा लोक मैंने तापाई से सब असुविधा होती टिटला आम बहुत बेस ट्राफिक प्रॉब्लम आसूँ से ट्राफिक उपर तीन चार दिन आगे भी मीटिंग होता से मीटिंग में डिसाइड है कि हमारे जे मेन मेन रोड आसूँ से उपर कि फ्रूट वेंडिंग जोन वाला आसान थैतान वेंडिंग जोन रही ही जीवा तो सब जिते भी आसूचे आम 11 लोग ये जगार थैतान ही जीवा ये आम ट्राफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने और फ्यूचर में किसी रोड डेवलपमेंट हो आमर एनएच आसूँ से भी ट्राफिक रोड आसूँ से जगार किसी एक्सीडेंट नहीं होगा गोटे पटे ट्राफिक समस्या अंपटे प्रशासन अजब नियम समाधान बदल में बढ़ुच्च लोकों मुस्किल जहाँ को नहीं उठी बिवाद बलांगीर जिला टिटलागड़ अंकुर अग्रवाल रिपोर्ट अर्गस न्यूज। ब्रह्मपुर में शशुर घर बाहर नववधूर धारणा देवा घटना आज मार्गशीर मास प्रथम गुरुवार शशुर घर आगे माण बसाइबे नववधू सेपटे युवती समर्थन में बाहरी अंचलवासी गत काली कैंडल लगाई पूर्व समर्थन करने को आसीता बेले कैंडल न लगवा को चाप पकड़ा पुलिस कैंडल लगवाह कौन गहली कले गिरफ्त करने को देखा धमक फल कैंडल न लग युवती पूर्ण समर्थन देखते अंचलवासी ए बाबद अधिक सूचना सीधा सड़क
ब्रह्मपुर को एवं आम प्रतिनिधि पीतांबर नाहक आम सहित से जोड़ी होती पीतांबर कौन चित्र आसुच्छे एवं कौन तर बर्तमान से कौन रिएक्शन रखुच्च एपर्तंत कहीं आसिक शशुर घर लोक भेटिले कि आलोचना कले कि चिन्मय निश्चित भावे आज जेहेतु चतुर्थ दिन में जो नववधु को धारणा रही विशेष भाव आज सका सका रोचक दृश्य देखा मिली शशुर घर आगे जी नववधु तपस्विनी रही से जेहेतु आज मार्गशीर मसर प्रथम गुरुवार आ गुरुवार निश्चित भाव बहु घर जो महिला मैंने था नारी मैंने था से महालक्ष्मी पूजा कर तो मार्गशीर माणवसा गुरुवार जो भाव महालक्ष्मी फोटो कथा कहिबा एवं विशेष भाव दीप प्रज्वलन कथा कहिबा जमती पूजा रीतिनीति अनुसार पूजा हुए सेमती पूजा मध्य आपण देखुंत जो भाव युवक जनक पूजा करपर्यंत से घर को प्रवेश करना घर को घर भितर को एंट्री करना अंपटे राति दिन यही भाव से धारणा दौंट विशेष भाव तर वर्तमान कौन एमती घर बाहर माणवसा बसाइबा कौन तक आभिमुख्य आम सीधा साल आम आलोचना करवा से बस मैडम कौन कह आज जेहेतु आपत एमती घर बाहर दांड उपर यह भाव माणवसा पूजा कर आभिमुख्य कौन आज जेहेतु माणवसा गुरुवार यहाँ मोर प्रथम पाड़ी मैं प्रथम थर कि मुझे भावी बोधे गुरुवार सुधा मत घर को जहाँ जगह मिल मत हजबैंड आसी रिसीव करके घरे यहाँ पाली बट सेम तो है कि मैंने कौन मुझे रीतनीति भूली जीवि कि तो से मो द्वारा जीती मु भगवान को ये ही पूजा कली माँ को जे रीतनीति तो भूली हेनी ना कि मुझे पूजा छाड़देवी जेहेतु यहाँ मोर शशुर घर प्रथम पाड़ी तो से मुझे करती पारी जी मो द्वारा हो माँ को पूजा कर जिते पूजा करजार प्रस्तुति प्रणाली आम देखु महालक्ष्मी जमी घर मानक पूजा हुए आप बाहर पूजा कर आसिले कि शशुर घर लोक एम सब दृश्य देखिले से जानी से देखुवे कि ना कि मो बटे कली मुझे क्या देखापी करनी मु मो पूजा मो नीति मुझ मानुच भगवान को मुझे पूजा कर भाभी गुरुवार भितर मुझी हरी मो शाशु घर को पूजा करी किंतु तो सेमती तो है से भी निजे मानिले कि गोटे झुट्टी भी आज देनी जेहेतु आज माणवसा गुरुवार प्रथम पाड़ी तो से मुहेतु घर बोहू आ मुझे जड़े घर बोहू ए तो मत ही पड़ो से मुझे ही झुट्टी दे कि जहाँ मो द्वारा हम माँ शाशु शशुर घर तरफ सेमती किसी झुट्टी पड़ नाला कि बाहर को आसिकी पूजा विधि सेमती पालन किसी कर से तो भगवान को भी अपमान कले आज तो प्रथम बेले गुरुवार आप जानते भी सहीटा को भी मान दे कि आसिले कि पूजा भी कले आई या कौन कह तो डाकिले से शुणु ना डाकिले से शुणी थे मुझे भी कही था कि एटलिस्ट भगवान अपमान करूनी एटलिस्ट झुट्टी देवा कथा आमर नीति रिवाज अनुजाई मुझे जितकी जानी मंडा फुल रुए अला डाल आंब पत्र दि जाए दीप भी लगा जाए कुंभ भी बड़ा जाए सेमती तो किसी है ना कि मुझे जी पारे मत जी जना मुझे जानी से आशा जे शशुर घर लोक भी खुशी हे देखिकी न्याय न्याय पाइबापी बसबे जेहेतु आज माणवसा गुरुवार एमती आम दृश्य देखुचु आपत आगक बसबे ना कौन मान आप मन कौन कह केमती घर भितर को एंट्री करेंगे क्यों भाई भाव में शशुर घर लोक डाकिले एंट्री करेंगे ना आपण हक अच्छी घर रही हक तो अच्छी आज घर रहा बेरेस्पेक्ट कर चाहूनी मुझे चाहिए फास्ट दिन ताला भांगी दे पल ना आज्ञा मुझे मत रेस्पेक्टली नहीं कि एलाउ करा जाओ मुझे मुझे इलीगल काम भी कर पारे जो इलीगल न करूँ मो पर इलीगल कराऊँ तो मुझे इलीगल काम करने चाहूँ लिगाली जी चाहूँ लिगाली मैंने मतलब रेस्पेक्ट दे घर को निया जाओ मो न्याय अच्छी आज जो भगवान को पूजा यहाँ मुझे खराब करनी आज्ञा जितेबाला मो शाशु जेहेतु छयास वर्ष है से जो से रीतनीति भूली गले आ मु तो बहुत आउ एबे जेतिकी मु जानी मो मामा गठु आउ सेतिकी मु करिछि मते एतरे प्रमिला मा भी सहाय्य करछोंदी से अछंदी मु भी अछि जते पजन पार्थिवी जति पूजा पर्वणी जति मझिरे आसे सेटा भी करबी आउ आज भी करिछि आपण जे सब पूजा करछोंती भाबुछोंती कि सासु ससुर होंतु स्वामी होंतु आपण निकट को आसीबे कथा हेबे
ଏମିତି ଘର ଆଗରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ପୂଜା କରିବା କଥା ତ ଘରକୁ ଏଲାଉ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ପୂଜା କରିବା କଥା, ଘର ବାହାରେ ପୂଜା କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଏତେ ନିୟମ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସେ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଆଜି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପୂଜା କରିନାଇଥାନ୍ତି କି? ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପମାନ କେବେ ବି କରିନି କି ଆଗକୁ ବି କରିବିନି। ଆଜି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା? କେଉଁଠି ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବି କି ନା ପୂଜା କରନା କ'ଣ? ଏବେ ଯଦି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି କି? ଧାରଣାରେ ବସିଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ମୋତେ ବାହା ହେଇଛି କହିକି ବି ସେ ନେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବି କି? ନାହିଁ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ପୂଜା ରୀତିନୀତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମାନୁଥାନ୍ତି ତ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ସେ ତ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, କାଲି ସେ ପାର୍ଟିରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତାକୁ ସତରେ ଭଲ ପାଇଥିଲି, ରେଜିଷ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲି, ଆମ ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ ଥିଲା, ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ ମାନେ ସରି ବାହାଘର ପରେ ଯାହା ମିଶିକି ଅନ୍ୟ ଘରେ ରହିଥିଲୁ ଭଡ଼ାକୁ ମିଶିକି ଦୁଇ ଜଣ, ସେଇଟା ବି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ବସ୍ ଏଇଟା ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଡିଭୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଏଇଠି କହିବେନି, କୋର୍ଟରେ କହିବେ। ଆପଣ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ହେଇଛି ମନମାଳିନ, ସେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି? ଆମ ଭିତରେ କିଛି ମନମାଳିନ ନଥିଲା, ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ପୂର୍ବଥର କହିଲା ଭଳିଆ ପଇସାବାଲା ଝିଅ, ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଘରର ଝିଅ, ଯେମିତିକି ବହୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଘରର ଝିଅ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ମାଣବସା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବହି ଧରିଛନ୍ତି ପଢ଼ିବେ ନା? ହଁ, ଆଳତି କଲା ପରେ ତାପରେ ପଢ଼ିବି, ପୂଜା କରିବି, ତାପରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ମୟ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବ୍ରହ୍ମାନଗରର, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯୁବତୀ ବା ନବବଧୂ ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ସେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଗରେ ଦୀର୍ଘ ଚାରିଦିନ ହେଲା ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ପୂଜା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଅନ୍ତତଃ ଘର ବାହାରେ ପୂଜା ହେବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ, ଜନପ୍ରତିନିଧି ଥିବେ, ଏମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ ରଖନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କେସ୍ କୋର୍ଟରେ ରହିଛି କେହି ମଧ୍ୟ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କୋର୍ଟଙ୍କର ରାୟ କ'ଣ ଆସିବ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି 4-5 ଦିନ ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ରହିଛି। ପୀତାମ୍ବର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନବବଧୂଙ୍କର ଘର ବାହାରେ ମାଣବସା ଚିତ୍ର ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମ୍ମୁକେଶ୍ୱର ଆର୍ଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଶିବାଣୀ ପ୍ରସାଦ ଟୁଡୁଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍, ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟିକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଦେଖି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଶୀପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଆସିବା ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଜଳିଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯଶୀପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଅଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।